गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग न्यू चैप्टर रॉक्स टॉपिक का अध्ययन करेंगे। हिंदी में हम लोग यूज करते हैं चट्टान एवं सैल टर्म, इंग्लिश टर्म एक ही यूज होता है रॉक। तो आज हम लोग जानेंगे चट्टान की परिभाषा क्या है, चट्टान किसे कहते हैं, चट्टानें कितने प्रकार की हैं, कौन कौन से इनके प्रकार हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, टाइप्स क्या हैं, डेफिनेशन क्या है। तो हम लोग अभी सबसे पहले चट्टान की परिभाषा से स्टार्ट करेंगे। चूंकि पूरा भूपटल जो है, पृथ्वी का जो धरातल है, वह चट्टानों से निर्मित है और ये चट्टानें जो है मुख्य रूप से खनिजों के संयोग से बनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। अर्थात चट्टानें जो है खनिजों का सम्मिश्रण है, कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल्स। पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जिनमें कि 24 ऐसे खनिज हैं जिनसे कि भूपृष्ठ या भू संरचना का निर्माण हुआ है। जो भी हमारा पृथ्वी का धरातल है उसमें मुख्यतः 24 खनिजों का प्रमुख योगदान रहा है और ऐसे खनिजों को हम लोग कहते हैं चट्टान निर्माणक खनिज, जिनमें जो सबसे प्रमुख है, सबसे इम्पोर्टेंट है, वह सिलिकेट, ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। और इन चट्टान निर्माणकारी खनिजों में, जिनसे कि चट्टान बना है, उन खनिजों में सबसे अधिक सिलिकेट महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वेश्चन आपको आता है कि चट्टान के निर्माण में कौन सा खनिज सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो आपको आंसर में टिक करना है सिलिकेट। उसके बाद जो खनिज सबसे महत्वपूर्ण है वो है ऑक्साइड। जैव पदार्थ से जो निर्मित चट्टान होते हैं उनमें खनिज नहीं मिलता है, जैसे कि कोयला, इनमें खनिज नहीं मिलता है। चट्टानें जो है बहुत अधिक हार्ड भी होते हैं, बहुत अधिक कठोर भी होते हैं, पंख, कीचड़ या मड की तरह मुलायम भी होते हैं। अ रॉक इज अन एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल्स अकॉर्डिंग टू पेट्रोलॉजिस्ट। देखिए, पेट्रोलॉजिस्ट जो है चट्टानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है पेट्रोलॉजिस्ट कहलाता है। साइंटिस्ट हु स्टडी रॉक्स आर कॉल्ड पेट्रोलॉजिस्ट। इसी भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि चट्टानों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, आंसर आपको लिखना है पेट्रोलॉजिस्ट। अब इसके अनुसार परिभाषा क्या है, रॉक्स में सिंपली बी डिफाइंड एज ऑल दस मिनरल्स विच फॉर्म द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, वेदर हार्ड लाइक ग्रेनाइट, जैसे कि कठोर चट्टाने की तरह से ग्रेनाइट, सॉफ्ट लाइक क्ले, मुलायम जैसे कि कीचड़ या कोई मृदा हो, ग्रेवल और सैंडस्टोन। अब हम लोग आते हैं चट्टानों के प्रकार में, चट्टानों के प्रकार, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स। चट्टाने मुख्यतः तीन प्रकार की हैं। पहला इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान। सेकेंड सेडिमेंट्री रॉक्स, अवसादी या इसे परतदार या तलछट चट्टान भी कहते हैं। थर्ड है मेटामॉर्फिक रॉक्स, रूपांतरित चट्टान। अब हम लोग इन तीनों का अध्ययन डिटेल में करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग आग्नेय चट्टान का डिटेल में स्टडी करेंगे।
फर्स्ट है, फर्स्ट टाइप्स ऑफ रॉक इज इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, इसे आधारभूत चट्टान, प्राथमिक चट्टान या पैतृक चट्टान के नाम से भी जाना जाता है, नॉन एज इग्नियस रॉक, फंडामेंटल रॉक्स, प्राइमरी रॉक्स, पेरेंट्स रॉक। अब इसे फंडामेंटल रॉक, आधारभूत चट्टान, प्राथमिक चट्टान या पैतृक चट्टान किस लिए कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले पूरे पृथ्वी पर आग्नेय चट्टान का निर्माण हुआ है। आग्नेय चट्टान का निर्माण सर्वप्रथम पूरे पृथ्वी पर हुआ है और इसी इग्नियस रॉक से इन दोनों चट्टानों का विकास हुआ है, इसलिए इसे आधारभूत चट्टान, प्राथमिक चट्टान या पैतृक चट्टान के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक। द वर्ड इग्नियस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड इग्निस। आग्नेय शब्द जो है लैटिन भाषा के इग्निस से बना है, जिसका अर्थ होता है अग्नि या आग, विच मीन्स फायर। और यह आग्नेय चट्टान जो है पृथ्वी के आंतरिक भाग से, जहां तप्त तरल मैग्मा के ठोस करण से हुआ है, सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से इसका निर्माण हुआ है। इग्नियस रॉक्स आर दस फॉर्म्ड थ्रू द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मिनरल्स। थोड़ा सा मैं मैप से समझा दूं आपको, सभी लोग डायग्राम में ध्यान देंगे। पृथ्वी के सरफेस से, अर्थ सरफेस से, मान लिया जाइए अर्थ सरफेस है ये वाला लाइन, धरातल ये पृथ्वी के धरातल से आंतरिक भाग की ओर बढ़ने पर तापमान में वृद्धि होती है, दबाव में वृद्धि होती है, घनत्व में वृद्धि होती है। पिछले क्लास में ही हम लोगों ने पढ़ा है पृथ्वी के धरातल पर 32 मीटर की गहराई पर, प्रति 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होती है। अत्यधिक गहराई पर तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है और कहीं कहीं चट्टाने पिघली अवस्था में मिलती हैं, और ये चट्टाने जो है अत्यधिक तापमान और दबाव के कारण ऊपर आने का प्रयास करती हैं, और ये चट्टानों को तोड़ती फोड़ती भी ऊपर आ जाती है, जिससे कि कभी कभी वोल्केनिक इरप्शंस भी होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार भी होता है। जब ये अत्यधिक प्रेशर के साथ धरातल के ऊपर आ जाते हैं, सतह के बाहर आ जाते हैं, तो उसे हम लोग मुख्यतः लावा कहते हैं, और ये पृथ्वी के अंदर इसका जब जमा होता है तो वो मैग्मा कहलाता है। अब किस तरह से इसका जमाव धरातल के अंदर अनेक रूपों में हुआ है, अनेक आकारों में हुआ है या भिन्न भिन्न आकार में हुआ है, और इन्हें भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है, इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्रमबद्ध तरीके से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे आग्नेय चट्टान की क्या विशेषता है, आग्नेय चट्टान के और कितने सब टाइप्स हैं। और जो हम लोग डायग्राम देख रहे हैं बोर्ड में, उनका डिटेल में स्टडी करेंगे। थैंक यू।